बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम बात करने लगे हैं फाइनेंशियल क्राइम पे, यानी मनी रिलेटेड क्राइम, जिससे किसी को मनी पैसे की सूरत में मॉनेटरी डिसएडवांटेज होता है। फाइनेंशियल क्राइम की कंपनीज में बहुत सारी किस्में होती हैं, यानी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज्यादा तरह के होते हैं। फाइनेंशियल क्राइम हम इसको भी कहते हैं, ये तो पेट डेफिनेशन है। फाइनेंशियल क्राइम्स आर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डजंट मीन लैंड या बिल्डिंग। प्रॉपर्टी मीन्स को जो भी किसी की ऑनरशिप में चीज है। इन्वॉल्विंग द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी टू वन ओन पर्सनल यूज एंड बेनिफिट, कि किसी की प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट पे यूज करना, उसकी ऑनरशिप जो है वो कन्वर्ट कर लेना। फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व फ्रॉड, वो चेक का फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, मॉर्गेज का फ्रॉड है, ये जो प्लेज कराते हैं, मेडिकल का फ्रॉड है, जो गलत मेडिकल क्लेम कर लेते हैं एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट फ्रॉड है, कंपनी बन के लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग जाती है, सिक्योरिटीज का फ्रॉड है जिसमें शेयर से रिलेटेड किसी किस्म का फ्रॉड है हो जाता है, हेल्थ केयर फ्रॉड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी है, बैंक फ्रॉड है, थेफ्ट है, स्कैम है, टैक्स एविजन, टैक्स मतलब इलीगल तरीके से रिड्यूस करना, ब्राइबरी है, एम्बेजलमेंट है, पैसों में हेर फेर है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, किसी की ऑनरशिप को चोरी कर लेना, मनी लॉन्ड्रिंग है कि इलीगल सोर्स से पैसे कमा के उसे रिस्पेक्टेड के तौर पर प्रेजेंट करना। मीन्स फाइनेंशियल क्राइम बहुत तरह के होते हैं। बहरहाल ये कि ये कोई एंड लिस्ट नहीं है, कि ये एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है जहां पे भी आप दूसरे को फाइनेंशियली डिसएडवांटेज करते हैं तो वो फ्रॉड पे आ जाता है। इनसाइडर डीलिंग, इनसाइडर डीलिंग जो होती है ना, ये सिंपल सी बात है, ये होती है डीलिंग इन प्राइस अफेक्टेड सिक्योरिटीज, ठीक, डीलिंग इन प्राइस अफेक्टेड सिक्योरिटीज व्हेन यू पोजेस इनसाइड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज, के आप प्राइस इफेक्टेड सिक्योरिटीज। अब प्राइस इफेक्टेड सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स में, लोन नोट में, जिसे डिबेंचर भी करते कहते हैं, कि उसमें आप डील करते हैं। डील का मतलब उनको बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, इवन आप किसी को इनिशिएट करते हैं कि वो बाय सेल करे, यानी कि किसी दूसरे को, अपने रिलेटिव को, ये फ्रेंड को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप उसे इनिशिएट करते हैं कि वो बाय सेल करे। आप कहते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप शेयर बाय कर लो। तो प्राइस अफेक्टेड, जिसकी प्राइसेस चेंज होती है, व्हेन यू पॉजेस इनसाइड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, लोगों को, दूसरों लोगों को नहीं पता, तो ये डीलिंग जो है इनसाइडर डीलिंग आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिमिनल के मतलब केस होता है, ठीक। अब इसमें ये कि डीलिंग के माने क्या है, कि डील इन प्राइस इफेक्टेड सिक्योरिटीज और रेगुलेटेड मार्केट, यानी ये शेयर्स पे, ये डिबेंचर में, इनकर्ज अनदर टू डील इन रेगुलेटेड मार्केट, के दूसरे को मतलब इनकर्ज करना कि वो डील करे। और अच्छा, इवन डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन विच इज प्राइस इफेक्टेड बट इनसाइडर, अंदर की इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज कर दे, ये भी क्राइम है, चाहे वो दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे डील करे या ना करे। अब जस्ट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना, एक्सप्रेस कर देना, ये भी इनसाइडर डीलिंग में आता है, ये क्राइम है। सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती है, ये शेयर्स भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका एक की प्राइस दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे शेयर ऑप्शन होता है कि ऑप्शन होता है कि शेयर बाय करने का ऑप्शन आपके पास, शेयर ऑप्शंस वगैरह होते हैं, फ्यूचर होते हैं, मतलब बहुत सारी फॉरवर्ड होते हैं, स्वैप होते हैं, लेकिन अभी यहाँ की बात नहीं, इन्हें डेरिवेटिव कहते हैं। आपसे कभी नहीं पूछेगा डेरिवेटिव का इस लेवल पे। डेट सिक्योरिटीज, वो आपको पता, लोन नोट को कहते हैं। तो सिक्योरिटीज कोई भी हो, डीलिंग करते हैं, ठीक। डीलिंग इज अक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग आर एग्री टू एक्वायर एंड डिस्पोज, कि कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, मेजर शेयर चीज होती है, या एग्री होते हैं कि शेयर करें या परचेज करें या सेल करें,
या अपने एजेंट के थ्रू, किसी अपने नॉमिनी के थ्रू, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू उनको खरीदने या बेचने के मतलब कोई काम करते हैं, या आप इवन इनकर्ज करते हैं किसी दूसरे पर्सन को कि वो डील करे, कि जैसे आप खुद भी शेयर बाय कर ले, अपने दोस्त को कहें कि तू भी शेयर बाय कर ला, ये बड़ा अच्छा चांस है, तो इसे इनसाइडर डीलिंग कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये इररिलेवेंट है कि जिसको आप इनकर्ज कर रहे हो उसे पता हो कि इंफॉर्मेशन जो है प्राइस एक्सपेक्टेड है या नहीं है, यानी उसको यानी पता होना जरूरी है, उसे बस ये पता हो कि ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि उसने जो काम किया है ये नोइंगली किया, जानबूझ के किया, समझते हुए उसने किया कि इसमें मुझे जो है वो मतलब कोई एडवांटेज हो सकता है। ठीक। इनसाइड इंफॉर्मेशन ऐसी जो पब्लिकली डिस्क्लोज ना हुई हो। पर इनसाइडर इंफॉर्मेशन मतलब अब इनसाइडर कौन है? अच्छा, पूरी डेफिनेशन ये है कि डीलिंग इन प्राइस अफेक्टेड सिक्योरिटी व्हेन पोसेस इनसाइड इंफॉर्मेशन एज एन इनसाइडर। कि आप इनसाइडर है, इनसाइडर का मतलब आप कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट है, जैसे आप डायरेक्टर है, ऑडिटर है, कंपनी के सेक्रेटरी है, या हाई मैनेजमेंट पे मौजूद है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, या आप उनके जो है वो कोई मतलब जो पर्सन जो है नोइंगली जानबूझ के जानते हुए इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको भी हम इनसाइडर ही कहते हैं, यानी जो नोइंगली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, ए मतलब इंफॉर्मेशन को यूज करे। जनरल डिफेंस, जब किसी पे इनसाइडर डीलिंग का केस होता है तो वो डिफेंस क्या ले सकता है, वो अपने डिफेंस में क्या कह सकता है? ठीक। दे डिडंट एक्सपेक्ट देयर टू बी अ प्रॉफिट और अवॉइडेंस ऑफ लॉस, कि उसे वो कहता है जी मुझे पता ही नहीं था कि इससे प्रॉफिट हो सकता है या इससे लॉस अवॉइड हो सकता है, यानी मुझे इस बात का इलम नहीं होता था कि कोर्ट में प्रूव कर दे। दे हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन हैड बीन डिस्क्लोज वाइडली, कि उसे पहले पता था कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज हो चुकी है, यानी अब ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, या वो ये साबित करते हैं कि उसने ये एक्शन करना ही करना था चाहे उसके पास इंफॉर्मेशन होती या नहीं होती, मीन्स उसने जो शेयर पाए किए वो करने ही करने थे चाहे उसके पास इंफॉर्मेशन होती या नहीं होती, तो ऐसी सूरत में जो है वो उसकी जान बख्शी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर केस नहीं होता, बस रिडक्शन हो जाती है कोई फाइन पेनल्टीज में। ठीक। अब ये कि आप अगर किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर आप ये कोर्ट में प्रूव करते हैं कि आपको नहीं पता था कि जो आपने इंफॉर्मेशन दूसरे के सामने डिस्क्लोज की दूसरा पर्सन इसकी बेस पे कोई एक्शन भी करेगा। जैसे आप बात कर रहे थे लेट से अपने पीएन के सामने, अब पीएन मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि वो जाके ट्रांजेक्शन करेगा, लेकिन पीएन ट्रांजेक्शन कर लेते उसके हत्यागिरी से पैसे चढ़ जाते हैं, तो अब अगर आप ये मतलब बात प्रूव कर दें कि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई दूसरा पर्सन डील करेगा, तो फिर भी आपका डिफेंस बन जाता है। और मेड पब्लिक, अगर वो इंफॉर्मेशन पहले से ही पब्लिक हो, वो रेगुलेटेड मार्केट में हो यानी स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक हो, वो रिकॉर्ड में पब्लिक हो, कंपनी ने अनाउंस करती हो, गजट में प्रिंट हो गई हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो इनसाइडर डीलिंग के केसेस नहीं होते। पेनल्टी इसमें अनलिमिटेड फाइन होता है, कि अनलिमिटेड कोर्ट इसमें फाइन कर सकती होती है, या 7 ईयर इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती, दोनों में से एक चीज भी हो सकती है कि 7 ईयर इंप्रिजनमेंट या अनलिमिटेड फाइन। फिर मार्केट अब्यूज, ये एक सेपरेट क्रिमिनल ऑफेंस है। मार्केट को अब्यूज करना, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल मतलब जो शेयर की सेलिंग बाइंग होती है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे होती है, कि उसकी डिमांड क्या है उस बेस पे प्राइस फ्लक्चुएट होती, सप्लाई कितनी है शेयर की उसकी बेस पे प्राइस फ्लक्चुएट होती, यानी शेयर की प्राइस डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अगर इस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस में आप इंटरफेयर किसी किस्म का करके शेयर की प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, यानी उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसे मार्केट अब्यूज कहते हैं। और ये फाइनेंशियल सर्विस एंड मार्केट एक्ट कानून है, उसके अंडर आता है कि ये 2000 का एक्ट है, MSMA। ठीक। फाइनेंशियल सर्विस एक्ट वैसे ही से कहते होते MSFSA, तो उसके अंडर आ जाता है। इसकी मार्केट अब्यूज की एग्जांपल्स क्या है? मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक।
मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है कि वो ही इनसाइडर इंफॉर्मेशन कि आपके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के या शेयर होल्डर को बाय करना चाहता है उसके डिसीजन पे इफेक्ट कर सकती है और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो या किसी को प्रोवाइड करते हो, ये मार्केट अब्यूज भी है। मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कि डिमांड एंड सप्लाई नॉर्मल जो चल रही है उसमें आप इंटरफेयर करके एकदम डिमांड को इंक्रीज या सप्लाई को इंक्रीज या डिमांड को डिक्रीज या सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, यानी पैटर्न चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको शेयर नहीं चाहिए लेकिन आप इकट्ठे एक कंपनी का टोटल शेयर जो है वो 1 मिलियन, अब 0.8 मिलियन शेयर एकदम बाय करना शुरू कर देते हैं, लोगों को लगेगा स्पेशली जब आप किसी कंपनी के ऑफिसर है कि आप किसी न किसी लॉजिक के अंडर तो ये कर रहे हैं ना, तो आपके देखा देखी सारे उस शेयर की तरफ भागेंगे तो शेयर की प्राइसेस एकदम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये मैनिपुलेट करना होता है ट्रांजेक्शन को, और मैनिपुलेट डिवाइस, मैनिपुलेट ट्रांजेक्शन और डिवाइस में ये फर्क होता है कि मैनिपुलेट ट्रांजेक्शन में आप ट्रांजेक्शन पास ऐसी करते हैं कि जिसकी बेस पे लोग वो ट्रांजेक्शन करते हैं, और मैनिपुलेट डिवाइस ये होती है कि आप ट्रांजेक्शन भी पास करते हैं साथ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कोई आपसे पूछे यार आपने 0.8 मिलियन शेयर एग्जाम क्यों बाय कर लिया, आप कहते हो यार इस कंपनी को फलां कंपनी एक्वायर करने लगी है इसकी शेयर प्राइस बड़ी अप हो गई, यानी झूठी इंफॉर्मेशन भी अगर आप ऐसी सूरत में देते हैं साथ साथ तो इसे मैनिपुलेशन डिवाइस कहते हैं, मैनिपुलेटिंग डिवाइस। मार्केट डिस्टॉर्शन होता है कि ये डायरेक्टर्स की तरफ होता है। मार्केट डिस्टॉर्शन क्या होता है कि डायरेक्टर एकदम कंपनी की एक्टिविटीज को जो है वो तेज शो करें, वो ऐसे बड़ी तेजी से जिस तरह बहुत ऑर्डर आ रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी बहुत ग्रो होने लगी, एक्सपोर्ट में इसकी बड़ी मार्केट बन रही, कि मिस रिप्रेजेंट करे कि कंपनी के हालात बड़े अच्छे, क्योंकि कंपनी के अगर हालात अच्छे तो उसकी शेयर प्राइस अप जानी शुरू हो जाएगी, तो ये मार्केट डिस्टॉर्शन होती है, किससे मार्केट आप तबाह कर रहे होते। और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन को जो है फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ अफवाहें फैलाते हो, र्यूमर अगर आप क्रिएट करते हैं मार्केट में तो ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं इंटरनल इंफॉर्मेशन, वैसे र्यूमर मतलब जो है उसको स्प्रेड करके शेयर की प्राइसेस को ऊपर नीचे करना, चाहे आप शेयर बाय करें या ना करें, तो ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर ब्राइबरी आ जाता है, ये एक तीसरा क्राइम आ जाता है, एक इनसाइडर डीलिंग पढ़ा हमने, एक मार्केट अब्यूज पढ़ा, और तीसरा जो है ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब कभी भी अच्छी नहीं समझी जाती, जिसे रिश्वत कहते हैं। ब्राइबरी इज सीरियस ऑफेंस व्हिच ऑफन रिलेट टू ऑफरिंग और रिसीविंग ऑफ गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी, कि आपने किसी को ऑफर किया, यानी देखे ना रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला कहते हैं ना दोनों जानवी, तो लॉ भी ये कहता है कि चाहे आपने किसी को ऑफर किया चाहे आपने रिसीव किया गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी, पैसे हो कोई गिफ्ट हो, किसी ने आपको गाड़ी दे दी इस चक्कर में, किसी ने आपको इंटरटेनमेंट टूर दुबई के टूर पे भेज दिया आपको महीने के, मतलब ये ब्राइबरी में आती है। ब्राइबरी ऑफेंस है, जुर्म है, इसमें जुर्म क्या है, ब्राइबिंग एन अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को आप ब्राइब ऑफर करते हैं, बीइंग ब्राइब्ड या आप रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देना रिश्वत लेना, ये ब्राइबिंग है फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल, कि आप अपनी कंपनी है मल्टीनेशनल, आपका एक ऑफिस पाकिस्तान में है, आप यहाँ के फॉरेन पब्लिक ऑफिसर को जो है वो ब्राइब देते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को स्पीड अप करने के लिए जिस ग्रीस मनी कहते हैं, ये भी है, या फिर कॉर्पोरेट फेलियर टू प्रिवेंट ब्राइबरी, कि आपकी कंपनी फेल होगी या ब्राइबरी को रोकने में, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिस्टम टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड आपका इतना मजबूत नहीं है। पहले तीनों जुर्म जो है ना वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ये फोर्थ वन जो है कंपनी से रिलेटेड है, ब्राइबिंग एन अदर पर्सन। द ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन ए पर्सन ऑफर promise or give financial or other advantage to another person with the intention of inducing that person perform improperly a relevant function or activity or to reward them for such a improper performance. कि आप किसी person को पैसे देते हैं या promise करते हैं कि आप उसको देंगे, क्यों, कि आप जो
प्रॉपर फंक्शन है, रेलिवेंट फंक्शन और एक्टिविटी या कोई काम है, उसको इम्प्रॉपर करने के लिए, यानी रूटीन से हट के करने के लिए देते हैं ये पैसे। ठीक, तो इम्प्रॉपर उसका आपको ऊपर से क्या हो, एडवांटेज हो, तो इसका मतलब कि आप दूसरे को जो है वो रिश्वत दे रहे हैं। बीइंग ब्राइब्ड, आप दूसरे से ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। द ऑफेंस कमिटेड वेयर पर्सन रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट फाइनेंशियल, कि दूसरे से कहता है, ठीक, रिक्वेस्ट करता है या एक्सेप्ट करता है दूसरे से कोई गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, कोई पैसे, किस लिए, कि रेलिवेंट एक्टिविटीज को इम्प्रॉपर वे से वो परफॉर्म करेगा, यानी कि जो तरीका है उससे हट के जो है वो उसका काम कर देगा, तो बीइंग ब्राइब्ड होता है। रेलिवेंट फंक्शन और एक्टिविटी कौन से होते हैं, कि जो किसी भी पर्सन के कंट्रोल में होते हैं, वो चाहे ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पब्लिक ऑफिसर, वो चाहे प्राइवेट ऑफिशियल हो, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई है, आप किसी की चेक जल्दी क्लियर करने के चक्कर में उससे रिश्वत ले रहे थे, ये भी ब्राइब है। आप ये ना समझना कि प्राइवेट पर्सन जो है वो रिश्वत नहीं ले सकता, कोई भी पर्सन ले सकता है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी ले सकते हैं, और पब्लिक ऑफिसर तो जाहिर आपको पता ही है, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर तो कोई भी ले सकता। फिर बीइंग ब्राइब, ब्राइबिंग ए फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल, किसी भी दूसरे कंट्री, ये यूके का लॉ है, जरा ध्यान रखें, यूके का कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री के पर्सन को, फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल को, कोई भी इम्प्रॉपर काम करने के लिए रिश्वत देते हैं, मतलब नेस्ले लिमिटेड जो है वो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाहते हैं, प्लांट के लिए जो है हमने लाइसेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए वो रिश्वत देते हैं, या मार्केट करना चाहते हैं उसके लिए वो रिश्वत देते हैं, या उबर वाले चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों को तंग ना करें उसके लिए वो रिश्वत देते हैं, तो फॉरेन ऑफिशियल को जब आप रिश्वत देते हैं तो बीइंग ब्राइबिंग फॉरेन पब्लिक ऑफिसर आ जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसे रिश्वत देते, किसी थर्ड पार्टी को भी रिश्वत देते हैं ना, अगर आप कि उसे उससे काम लेके दो मुझे, तो इसे भी ब्राइबरी ही कहते हैं, इसमें भी मतलब इक्वली उसमें क्राइम मतलब जो है वो माना जाता है। डिफेंस एंड पेनल्टीज फॉर इंडिविजुअल ऑफेंस, इंडिविजुअल ऑफेंस जो है वो उसके डिफेंसेस क्या होना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने वो इम्प्रॉपर पर्पज के लिए नहीं दिए, उसने जो वर्क परफॉर्म किया वो प्रॉपर था। हाँ, डिफेंस हो सकता है, दो सूरतों में होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये जिस तरह FIA नहीं, फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, या आर्म्ड फोर्सेस, ये दूसरे किसी कंट्री में जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसी को भी रिश्वत दे सकते हैं, ये इनकी डिफेंस होते हैं, इन पे केस नहीं हो सकते इस मैटर पे, लेकिन बिजनेस पर्पज या इंडिविजुअल पर्पज के लिए केसेस हो सकते हैं, ये डिफेंस, आर्म फोर्स, या अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को भी ब्राइब देते हैं तो उसको उस पर किसी किस्म का केस जो है वो नहीं होता। फिर कॉर्पोरेट फेलियर टू प्रिवेंट ब्राइबरी, कि कंपनी का काम है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रांग करे कि ब्राइबरी ना हो, रिश्वत ना हो, लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपर एग्जीक्यूट ना करे, इम्प्लीमेंट ना करे, डिजाइन ना करे, तो ऐसी सूरत में भी उनपे जो है वो केस हो जाता है कि उसने प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई करने हैं कंट्रोल के लिए। वो प्रोसीजर क्या है, प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर, कि उसने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, ये उस किताब में वो जो अकाउंटेंट इन बिजनेस, ऑथराइजेशन हो हर काम की, डुप्लीकेट कापियां बने, सीरियल नंबर लगे, तक चीजों का पता चले कि हाँ जी कहाँ पे कौन सा पैसा जा रहा है, तो प्रॉपर प्रोसीजर प्रॉपर हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है हाईली कमिटेड टू फॉर द स्टॉपेज ऑफ मतलब जो है ब्राइबिंग, तो ऐसी सूरत में, और रिस्क असेसमेंट, क्यों वो कंटिन्यूसली अपने बिजनेस की रिस्क असेसमेंट करते रहे कि कहाँ कहाँ ब्राइबरी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहीं पे कंट्रोल स्ट्रिक्ट अप्लाई होंगे, जहां पे रिस्क कम है तो वहां पे लोग रिस्क होंगे, ड्यू डेलिजेंस अप्लाई करें, ड्यू डेलिजेंस होती है नो योर क्लाइंट, कि जो भी क्लाइंट आप एक्सेप्ट करते हैं, जिससे भी आप बिजनेस करते हैं, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लें, उसकी नेशनलिटी चेक करें, उसका प्रॉपर एड्रेस फाइंड करें, पासपोर्ट की कॉपी लें, ड्यू डेलिजेंस प्रोसीजर के जान के एक पर्सन की इंफॉर्मेशन लेके फिर उसके साथ बिजनेस करें, ब्लाइंडली आप बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर कम्युनिकेशन के आप एंटी ब्राइबरी पॉलिसीज जो बनाते हैं वो अपने एम्प्लॉइज तक जो है वो कम्युनिकेट करें,
आप अगर अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेंगे तो वो अप्लाई करेंगे ना, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी तो वो एप्लीकेशन तो नहीं आएगी। और फिर ये कि इस प्रॉपर प्रोसीजर को मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहे कि जितना भी प्रॉपर प्रोसीजर है, कि वन टाइम ये नहीं होता कि हमने प्रोसीजर अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हमने उसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि हर प्रोसीजर में फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस मौजूद होते हैं। कि आपने फिर ये ट्राई करनी है कि ये अभी जो हुआ वो तो ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल लगा लिया, लेकिन फर्दर कंट्रोल को अमेंड करना पड़ता है। फिर एक नया क्राइम होता है मनी लॉन्ड्रिंग, सुना होगा ये अकाउंटेंट एंड बिजनेस में भी पढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ब्लैक को व्हाइट मनी करना होता है, यानी प्रेजेंट इलीगल सोर्स मनी एज रिस्पेक्टेड वन, कि ब्लैक को व्हाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिमिनल ऑफेंस होता है लॉन्ड्रिंग, फेलियर टू रिपोर्ट और टिपिंग ऑफ, ये तीनों क्राइम होते हैं। लॉन्ड्रिंग भी क्राइम है, फेलियर टू रिपोर्ट भी क्राइम है। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है एक्विजिशन, पोजेशन, यूज ऑफ, प्रोसीड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट, के बुरे तरीके से पैसा कमाया, वो ड्रग ट्रैफिकिंग से कराया, वो टेररिस्ट एक्टिविटी से कराया कमाया, वो ब्राइबरी से कमाया, वो करप्शन से कमाया, उसको अक्वायर करना और उस पैसे को लेना, ये भी लॉन्ड्रिंग है। पोजेशन, आपके अगर कब्जे में आपके पास कोई रखवा गया तो फिर भी ये लॉन्ड्रिंग में आते हैं। और या फिर ये कि उसकी प्रोसीड को यूज करना, यानी वो पैसा करप्शन वाला पैसा यूज करना, ये भी लॉन्ड्रिंग में आता है। ये सारे लॉन्ड्रिंग है, यानी ब्लैक मनी से रिलेटेड आप किसी भी मैटर में इन्वॉल्व है, ये लॉन्ड्रिंग है। और फिर फेलियर टू रिपोर्ट, फेलियर टू रिपोर्ट ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव ड्यूटी होती है अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट, कि आप जहां पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अगर आपको डाउट है कि ये कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, देन आपकी ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट की एजेंसीज को, फाइनेंशियल एजेंसी को इसका इन्फॉर्म करो। अगर फेलियर टू रिपोर्ट, आप किसी की रिपोर्ट नहीं करते, जैसे ऑडिटर के तौर पे भी आपको फैक्स पता चल जाए, आप फर्दर रिपोर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब फिर भी आप जुर्म कर रहे हैं। और टिपिंग ऑफ, टिपिंग ऑफ का मतलब होता है कि किसी पर्सन को जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उस सस्पिशियस पर्सन की कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने, फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी ने आपसे इंफॉर्मेशन उसकी मांगी, और आप उसको अगर अलर्ट कर देते हो कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तुम्हारे पीछे एजेंसी लगी हुई है, तो इसका मतलब टिपिंग ऑफ आप कर रहे हो, ये भी जुर्म होता है। कि लॉन्ड्रिंग भी जुर्म है, फेलियर टू रिपोर्ट भी जुर्म है, टिपिंग ऑफ भी जुर्म है। ठीक, इन रिलेशन टू लॉन्ड्रिंग ए पर्सन मे हैव डिफेंस इफ दे मेक डिस्क्लोजर टू द अथॉरिटी, अगर वो अथॉरिटी को बता दे तो फिर ऑफेंस जांच हो जाती है। रिपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्टिंग ये होता है कि हर कंपनी में जो है, ये स्पेशली जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडर है, जिनका पैसे से रिलेटेड होता है, उन पे जरूरी होता है कि वो MLRO अपॉइंट करे, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, कि एक पर्सन को डेसिग्नेटेड मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाए। किसी पर्सन को भी अगर कहीं पे सस्पेक्ट है, शक है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो MLRO को बताएगा, और MLRO उसको इन्वेस्टिगेट करके फर्दर नेशनल क्राइम एजेंसी को बाद में रिपोर्ट करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग पेनल्टीज क्या है इस पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे देखिए, अगर कोई पर्सन लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और अनलिमिटेड फाइन। और अगर किसी पर्सन फेलियर टू रिपोर्ट नहीं की तो उसको 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन अनलिमिटेड ही है। और अगर किसी ने टिपिंग ऑफ अलर्ट किया है तो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अनलिमिटेड फाइन हो सकता है। यानी 14 ईयर, 5 ईयर एंड 2 ईयर, तीनों क्राइम के लिए फर्दर हो इज मनी लॉन्डर्ड। कि ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है, नंबर एक होती प्लेसमेंट, कि इलीगल मतलब पैसा, सोर्स का पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कहते हैं प्लेसमेंट। कि जैसे आपने रिश्वत क्राइम कर करके, करप्शन कर करके आपने पैसे जोड़ के प्लॉट ले लिया, ये प्लेसमेंट होती है। फिर लेयरिंग होती है, लेयरिंग होता है रिपीट द ट्रांजेक्शन अगेन द अगेन, अगेन टू अगेन टू कंसील द ओरिजिन। कि आप फिर उस प्लॉट को बेच के कोई और प्लॉट, फिर उसको बेच के कोई और प्लॉट, फिर उसको बेच के कोई और प्लॉट, कि इतनी मरतबा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें कि उसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो ढूंढना मुश्किल हो जाए।
और फिर इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंड पे वो पैसा, मतलब जो आखिरी प्लाट सेल करके वो पैसा लीगल मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, कि कोई आपकी कंपनी है या बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो ये फिर आप आपकी मतलब जो है स्वाब्दीत होती है। अब अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने बताया कि उसकी ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड विद फेलियर टू रिपोर्ट होती है, कि फेलियर टू रिपोर्ट का उसने ख्याल रखना कि अगर उस पर कहीं पे भी सस्पेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग का तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा, नहीं इन्फॉर्म करेगा तो वो लाइबल है और 5 ईयर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस होते हैं जो, यानी कंपनीज पे, इस पे 2 ईयर, जो कंपनीज फ्रंटियर रिलेटेड कंपनीज होती है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन अप्लाई करने हैं। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे फ्रंटियर रिलेटेड कंपनीज, देन भी 2 साल उनको सजा हो सकती है। फ्रंटियर रिलेटेड में क्या है कि इंटरनल रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कि वो MLRO लाजमी अपॉइंट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, कि कोई भी स्टाफ मेंबर को मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मतलब जो है वो कहीं पे फील होता है तो वो उसको MLRO को रिपोर्ट करेगा। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के, जो भी कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे उसका आईडी कार्ड या पासपोर्ट, उसका एड्रेस, उसका नाम, नेशनलिटी, उसकी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, जो आप जैसे आजकल अक्सर नहीं होता कि आप कोई काम करोगे तो आईडी कार्ड की कॉपी दे दो, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया का लॉ है। ठीक, फिर कार्ड कीपिंग प्रोसीजर के आप एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रखोगे, यानी कि ये मतलब जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, किसी ने पैसे दिए लिए, आप सारे पैसे को जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे और उस रिकॉर्ड को आप वेस्ट नहीं कर सकते। रिटेंशन पॉलिसी नॉर्मली इसकी 7 ईयर होती है कि वो रिकॉर्ड आप वेस्ट नहीं कर सकते। फिर इंश्योरिंग द एम्प्लाई आर एजुकेटेड, कि अपने तमाम एम्प्लाईज को मनी लॉन्ड्रिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एजुकेट करोगे। एजुकेट करने का मतलब उन्हें ट्रेंड करोगे, और जगह जगह आप मतलब जिस तरह वॉल्स पे नहीं होता नोटिस बोर्ड पे लगा लगा के रखोगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किस तरह काम करना है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हर पर्सन की इंफॉर्मेशन हो। जो जितना एजुकेटेड होगा वो उतने काम मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस जो है वो कम होते चले जाएंगे। फिर क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड विद कंपनी, डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, ये भी क्राइम है। डेफर्ड होता फ्यूचर पे डालना, प्रोसिक्यूशन केस का है। अब देखे ना, एक पर्सन रॉन्गफुल ट्रेडिंग कर रहा है, आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम पे अभी केस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारे पे केस नहीं करते, रोक देते हैं, तो ये डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। एक पर्सन रॉन्गफुल ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग कर रहा है, या उसने क्राइम किया है, या उसने फ्रॉड किया है, उस पर्सन ने मतलब कोई भी किसी किस्म का भी मसला कि थेफ्ट की है, आप अगर उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तेरे पे केस फाइल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप भी क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है फौरी गवर्नमेंट एजेंसी को उसकी रिपोर्ट करना, प्रॉपर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना उसे जरूरी होता है, ताकि उसे अपने किए की सजा मिल सके। ये नहीं होता कि आप उससे एग्रीमेंट कर लेंगे, चल माफ किया, तेरे पे केस नहीं करते, फिक्र ना कर, तुम मेरा यहाँ काम कर दे, इस तरह ही चलता है बिजनेस में लेन देन चलता है। फिर यहाँ फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये आपको मैंने इंसॉल्वेंसी के चैप्टर में पढ़ाया था ना, कि अगर कोई कंपनी जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, 2 जगह जरूरत होती है इसकी। अगर कोई कंपनी मेंबर वॉलंटरली लिक्विडेट होनी हो तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, या किसी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर कैपिटल रिड्यूस करना हो फिर भी उसे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़े। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब हमारे पास इनफ एसेट है कि हम लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं। जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी स्टेटमेंट गलत कर देते हैं वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्राइम है, जुर्म है, सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिर ये पहले भी बात हुई फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ये भी क्राइम होता है। इस पे डिटेल में पहले बातें हुई हैं, क्योंकि हमने ये टॉपिक लिफ्टिंग द व्हील ऑफ फिर कॉर्पोरेशन में भी पढ़ा था, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में भी पढ़ा था। रॉन्गफुल ट्रेडिंग ये कि जब एक कंपनी के फर्दर चलने के चांस ना हो, कैरिंग ऑन द चांस ना हो, और आप फिर भी कंपनी को चलाते जाते हैं, तो इसका मतलब वक्त के साथ साथ जो है वो लॉस बढ़ते चले जाएंगे, क्रेडिटर को नुकसान होगा, ये रॉन्गफुल ट्रेडिंग है। और फ्रॉडुलेंट ये कि कंपनी के चलने के चांस नहीं, आप इंटेंशनली जानबूझ के चला रहे हैं क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड करने के लिए, तो फिर ये फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है। दोनों में फर्क इंटेंशन का होता है, अगर आप जानबूझ के कोई काम कर रहे हैं तो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग,
अगर जाने में नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो रॉन्गफुल ट्रेडिंग, दोनों क्रिमिनल केस होते हैं, दोनों पे क्राइम के केस फाइल होते हैं। ठीक, फिर अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाई है अंडर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, कंपनी डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, एक पर्सन डिस्क्वालिफाई है फॉर डायरेक्टरशिप, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर ऐसा पर्सन फिर भी डायरेक्टर बनकर कंपनी ऑपरेट करता रहे तो जितने भी फिर लॉसेस होंगे उसके लिए वो पर्सन लायबल है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है कि डिस्क्वालिफाई पर्सन एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी का काम नहीं कर सकता। फिर फोनेक्स कंप्लेन, फोनेक्स कंप्लेन कौन किसको कहते हैं कि जब एक कंपनी वाइंड अप होती है उसी उसके नाम जैसी नई कंपनी बना के सेम एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देना, यानी कि लोगों को पता नहीं चलेगा ये पुरानी कंपनी है कि नई कंपनी है, कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट होगी बैंकक्रप्ट होगी तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं मेजर शेयर होल्डर होते हैं उसी के नाम जैसी नई कंपनी बना के सेम एक्टिविटी परफॉर्म करती रहती है, तो ये फनेक्स कंपनी होती है। ये भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, इस पर भी कोर्ट में क्राइम का केस होता है। क्रिमिनल और सिविल का डिफरेंस अब आपको पता चलेगा इस लेक्चर के बाद का, क्या क्रिमिनल और सिविल का डिफरेंस होता है। अभी के लिए जो है अल्लाह हाफिज, बाकी बात फिर करेंगे।